जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जी वालेकुम अस्सलाम, रास्पा बसरी एंड ज़ुबैर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सो टुडेज़ द सेशन इज़ देयर, तकरीबन 10 to 20 मिनट्स मैंने सेशन स्टार्ट करना है एंड देन इंशाल्लाह ज़ुबैर साहब वो अपना प्रैक्टिकली किस क्या आपको प्रोफेशनल लाइफ में करना चाहिए, कौन कौन से इशूज़ आते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट में आपने किस तरह काम करना होता है, तो दे विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज मैं एक सादा सा जुमला यहाँ पे एक फ्रेज लिखता हूँ, अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आता है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा कैरियर सक्सेसफुल है? प्लीज राइट हियर इन द चैट बॉक्स, बल्कि आप अपना माइक अनम्यूट करके अगर बताना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो क्या इसमें आ सकता है, एनी पॉइंट जो भी आपके माइंड में आता है। अचीविंग अ डिजायर्ड डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन योर लाइफ एंड प्रोफेशनल गोल्स, एक्सीलेंट, बेहतरीन। जी द अदर पार्टिसिपेंट्स प्लीज योर पॉइंट्स, जस्ट एक दो उसमें कर दें ये जैसे भी। ठीक है, अभी ये कि नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे माइंड में आता है, हम यही समझते हैं कि अगर हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो वी आर हैविंग अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर। ठीक है, आमतौर पे इसी तरह यह है कि अगर आप बाहर भी बात करें तो यूजली यही होता है कि दे आर सेइंग कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पेड वेल, तो हम ये समझते हैं कि येस इट इज अ गुड चॉइस, या यहां पर हमारा एक अच्छा सक्सेसफुल कैरियर चल रहा है। तो अब जहां तक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर की बात आती है तो पहली जो चीज आती है दैट इज योर जॉब टाइटल, यानी जॉब आपने ऐसी करनी है कि आप किसी को बताते हुए आर महसूस ना करें, ठीक है, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस ना करें कि ये मेरा जॉब टाइटल है। सो दिस इज द बेसिक्स, यानी जब भी अगर आप सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर अगर हम नाम लेते हैं तो पहली बात यही होती है कि योर जॉब टाइटल देर शुड बी जबरदस्त किस्म का होना चाहिए, लाइक किसी को आप बड़े फख्र से बता सकें आई एम डूइंग दिस थिंग। ठीक है, दूसरी चीज जो स्पेसिफिकली हम यहां पर डिस्क्राइब भी करेंगे तो वो ये है कि आपका वर्क एंड लाइफ बैलेंस होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ डजंट मीन 24 घंटे आप बस ऑफिस का ही सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, आप प्रॉपरली फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, तो इन चीजों से हमने क्या करना है कि इन चीजों से बचना है और आपका बैलेंस उसमें होना चाहिए। देन द नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपका हैप्पीनेस लेवल क्या है। ठीक है, हैप्पीनेस दिस लेवल जो आपका खुशी का मेयार है वो कैसे है। सपोज सुबह सवेरे आप अच्छे तरीके से एक अच्छे मूड के साथ ऑफिस जा रहे हैं या घर में ही सोच रहे होते हैं कि किस अजाब में या किस अजाब वाली जगह पे मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो ये है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि जिसको हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू अवर ऑफिस इन अ हैप्पी मूड एंड प्रॉपर वे से, सिंपल वे से हम जा रहे हैं, किसी किस्म की टेंशन नहीं है, तो इट मीन्स इट इज अ साइन ऑफ सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर। देन देयर शुड बी अ विजन, लाइक योर ओन विजन। ठीक है ना, अब यहां पे जैसे आप में से अक्सर लोग ज्यादातर जॉब्स कर रहे हैं मेरे पास, तो पहली चीज ये होती है कि आप खुद अपना विजन देखें कि मेरा यहां पर क्या स्कोप है, कितने अरसे मैंने यहां पर रहना है, मेरे लिए प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। तो जी जी खुशी खुशी काम करें बेहतरीन, ये आपने बिल्कुल आसान कहा कि जो काम भी करें खुशी खुशी करें। ठीक है ना, तो इसमें से ये आपका विजन आपका होना चाहिए। अब ये इट डजेंट मीन्स कि यू आर गेटिंग सम जॉब और आपने सारी जिंदगी उधर ही रहना है। ठीक है ना, आप एफर्ट्स करें, नए एक्सप्लोर करें, नए होराइजन एक्सप्लोर करें, नई जगह पे जॉब तलाश करें,
लेकिन स्टिल व्हेन यू आर वर्किंग देयर, तो ऑनेस्टली आपने सारे का सारा काम करना है। जब ऑनेस्टली काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुद आपके लिए रास्ते खोलेंगे। ठीक है, फिर ये है कि एक जगह पे स्टक नहीं हो जाना। यूजली होता है कि समटाइम्स आपको एक अच्छा बॉस मिल गया, आपका वर्किंग कंडीशन अच्छी है, ठीक है, घर के करीब है, या इस तरह कोई भी हम फैक्टर्स हम मुख्तलिफ देख रहे होते हैं, तो उसमें फिर हम ये कहते हैं कि बस ये अब इधर ही रहना है, ठीक है, बाहर नहीं निकलना, इधर ही रहना है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक बड़ी रुकावट होती है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़े, सपोज आपको ट्रेवल करके कहीं थोड़ा दूर जाना पड़ता है, या सम टाइम जैसे ऑनलाइन टास्क आजकल चल रहे हैं और आपको कहा जाता है कि रात के 3 बजे आपने उठना है, रात के 2 बजे आपने उठ के ये काम करना पड़ेगा आपको, तो अब ये ना सोचें कि बस वो तो सोने का वक्त है, क्या करूंगा, कौन करेगा, आपको फौरी तौर पे ये स्टेप आपको लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, एंड टिल नाउ इफ देयर इज सम क्वेश्चन तो यू कैन आस्क हियर इन द चैट बॉक्स। कुछ पॉइंट्स में कवर करके देन आई हैंड ओवर टू जुबैर साहब और वो आपको आगे लेके चलेंगे। अब एज वेल एज दिस प्रोफेशनल लाइफ इज देयर, तो पहली बात ये होती है कि जॉब के पहले दिन आपने अपने कोई ना कोई गोल्स रखने हैं। ठीक है, गोल्स क्या हो सकते हैं? सपोज यू आर गेटिंग अ जॉब, तो आप वहां पे ये सोचें कि हमने यहाँ पे जॉब करनी है और इसको मुझे ये एक्सपीरियंस हासिल होगा, एंड देन आई कैन अप्लाई इन सम अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और बिल्कुल आप ये ना समझें लेकिन सर मैं 30 साल से, जी जी बिल्कुल, अगर आप सेटिस्फाई हैं, फॉर एग्जाम्पल अदारा आपकी प्रोफेशनल डिवेलपमेंट भी कर रहा है और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, तो डजेंट मैटर 30 साल के आप सारे मतलब 60 ईयर्स तक भी आप वहां रह सकते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और आप इसमें अच्छा इंसेंटिव आपको मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रही है, बाकी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप जगह पे रह सकते हैं उस पे, यानी बजाय इसके कि आप नया एक्सप्लोर करें, लेकिन नई की तलाश में आपने रहना है। ठीक है ना, यानी उसमें आप, क्योंकि जब हम हो जाते हैं ना एक ही जगह पे स्टॉक हो जाते हैं, तो वो कुदरती तौर पे ये है कि हमें लर्निंग खत्म हो जाती है, हम कहते हैं बस ठीक है इधर ही रहना है, जो हो रहा है सो हो रहा है, तो इट डजेंट मैटर। अगर एक अच्छा अदारा आपको पे कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको प्रोफेशनल डिवेलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो यू कैन स्टे देयर। ओके, सो नाउ अब आपने एक और काम ये करना है कि यू हैव टू कनेक्ट टू मेंटोर्स। अब मेंटोर्स ये नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली किसी के पास जाना है जो उस शोबे में एक्सेल कर रहे हो। योर कुलीग कुड बी योर मेंटोर, योर बॉस कुड बी योर मेंटोर, घर के अफराद आपके मेंटोर हो सकते हैं। तो उसमें से क्या है कि कम अज कम आप ये चीज देखें कि उसमें लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज वो आप में मस्ट होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट जो पहले भी डिस्कस हुआ कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें, ये ना देखें कि मैं पैदल 10 मिनट पे वहां पे पहुंच जाता हूं। ठीक है, कौन इतना ट्रेवल करेगा? ठीक है, आप दूसरे शहर में कौन जाके रहे? मेरी फैमिली इधर हो तो दूसरे शहर में कैसे जाके रहूं? अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसका कोई ना कोई हल निकालें। ठीक है, दुनिया में हर मसले का हल है, प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी भी इट्स नॉट एन ईजी वे, ठीक है ना, कि अब सारे काम खुद बखुद हो जाए, डेफिनेटली हमने उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करनी होती है। फिर इसे आपने अपनी स्किल्स डिवेलप करनी है, मतलब आइदर यू आर अ टीचर, यू आर एन आईटी एक्सपर्ट, किसी भी अदारे में हूं, तो आपने अपनी स्किल्स डिवेलपमेंट मस्ट करनी है। ठीक है, जैसे पिछले वेबिनार्स में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, डिफरेंट टूल्स यूज किए, तो अब ये नहीं है कि ये खाली आईटी वालों का काम है, ये हम सब का काम है। ठीक है, जो कि सब शोबों में अभी आईटी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सारी जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो वो उन सब को हमें मालूम होना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आ जाती हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है कि आपने किस तरीके से दूसरों से कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये आपकी बहुत जरूरी हैं और बार बार इसकी इसको कहा जाता है आपको, आमतौर पे वेबिनार्स में, तकरीबन हर वेबिनार में इसी पे बात होती है कि आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी काबिलियत, आपकी डिग्रीज, आपके मेडल्स, आपके सर्टिफिकेट्स किसी काम के नहीं हैं जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है। ठीक है ना, जब तक आप अपने आप को बेच नहीं सकते आसान लफ्जों में। ठीक है ना, हमने अपने आप को बेचना होता है, यानी कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी स्किल्स को बेच रहे हैं। तो कैसे बेचना है, ये इट विल बी लर्न विद कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है,
तो स्पेसिफिकली नो मैटर जिस मर्जी आप शोबे से हैं तो उनको इम्प्रूव करें। लास्ट वाला वेबिनार इसी पे था कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं उसके लिए। सिदरा तो सिर्फ आपने यू हैव रेज्ड योर हैंड, इफ देयर इज सम क्वेश्चन तो आप पूछ सकती हैं आइदर माइक ऑन करके। जी सिदरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ यू डूइंग सर? या अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेबिनार इज गोइंग वेल। सर, हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आल्सो प्लीज से समथिंग अबाउट इंटेलिजेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके ओके, या बेसिकली आई थिंक सो इट्स योर फर्स्ट वेबिनार दैट यू आर अटेंडिंग? यस, इट्स माय फर्स्ट वेबिनार। या so all the recordings are available on my YouTube channel and please okay. text me on my WhatsApp number. I'll be sharing you the WhatsApp group detail, and secondly I'll also be sharing you my YouTube link. Okay, and second question is which skills are important for school head or yeah. an educator, which skills are important? Thank you so much. Most welcome. सो अब उसमें ये ना कि एज वेल एज योर एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इज देयर, तो उसमें भी आप सबसे बढ़ के तो मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, आपकी एंगर मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है। तो राउंड अबाउट वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स, सो ऑल द वेबिनार्स आर देयर एंड आप वहां से उसको देख लीजिएगा। बट स्टिल इफ देयर इज सम इशू तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। आई एम शेयरिंग यू माय नंबर अगेन, 0345974771। ठीक है, एंड एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स करती हो तो पिछला हमारा पूरा वेबिनार इसी पे था एंड कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पर इन शॉर्ट ये है कि सपोज दीज आर द स्किल्स, जैसे गाड़ी चलाना कभी भी हमें नहीं आएगी अगर हम उसके बारे में सिर्फ किताबें पढ़ते रहें। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि हम गए ड्राइविंग स्कूल में गए और योर फादर वाज देयर, भाई थे बहन थी, उन्होंने क्या किया गाड़ी में आपको बिठाया एंड बता दिया जी के ये स्टेयरिंग है आपका, ठीक है एक्सेलरेटर है, क्लच है, ब्रेक है, इस तरह यूज होगा, इस तरह स्टार्ट होगा, और जस्ट कुछ पॉइंट्स बताए और आपके वाले गाड़ी कर दी। ठीक है, अब यू आर नॉट परफेक्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे इन योर ड्राइविंग, बट अब क्या होता है कि अब वो आपकी जिंदगी का, आपकी जात का हिस्सा बन चुका है। अब जब ब्रेक अप्लाई करनी होती है तो आप सोचते नहीं है पहले कि मैंने ब्रेक अप्लाई करना है, ठीक है ना, एकदम आप उसको अप्लाई कर देते हैं। तो सो इट इज अ स्किल, सेम इज द केस, स्पोकन स्किल बेहतर बनानी है तो बोलना पड़ेगा, रीडिंग बेहतर बनानी है तो पढ़ना पड़ेगा, राइटिंग बेहतर बनानी है तो लिखना पड़ेगा, फिर वोकैबुलरी है, ग्रामर है, तो सो दीज आर द स्किल्स जिनको आप बेहतर बना सकते हैं। तो बहरहाल अब इसमें यह कि नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज योर, आपने अपना नेटवर्क इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब नेटवर्क कैसे इम्प्रूव होगा कि आपके ऑफिस में सपोज देर आर 20% 30 पीपल हैं, जितने भी हैं उन सब के साथ एक अच्छा रखें, बर्ताव रखें, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें, ठीक है, और इसी तरह पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स अपना करें। ठीक है, यूजुअली हमारी आदत ये होती है कि अगर हम अपने ऑफिस की गुफ्तगू देखें, सपोज द टीचर्स दे आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम, तो यूजुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन टॉपिक्स। ठीक है जी, महंगाई हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ठीक है मेरा ये हो गया है, बच्चा मेरा ये कर रहा है, ठीक है घर में ये मसला है, रात को बेटा बीमार हो गया था, मैं फिर उसको अस्पताल लेके गया, पूरी यही कहानियां होती हैं। अब वहां पे व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट तो वहां पे आपकी जो बात होनी चाहिए वो उसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो। सपोज यू आर टीचर, यू हैव टू डिस्कस योर स्टूडेंट्स कि फलां स्टूडेंट्स की कारकर्दगी बेहतर हुई है, फलां का टेस्ट में पीछे जा रहा है, आपके सब्जेक्ट में अगर वो पीछे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, मेरे में तो बेहतर है, मेरी क्लास में तो उसके अच्छी इंटरेस्ट होता है, या आप उनको बताएं कि जब मैं क्लास में जाता हूं तो उसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता। ठीक है ना, तो सो उसके मुताबिक जब आप लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह इस पे एक और अच्छा सा वेबिनार हमने नेक्स्ट करना है इस चीज पे कि व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ इन दोनों को मिक्सअप करते हैं और दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना, तो प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग रखें। अलग रखने का ये मतलब नहीं है कि हमने रोबोट्स की तरह जाना है, काम किया बिल्कुल बोले चाले नहीं, कोई जज्बात नहीं, वापस आ गए। यू हैव टू कीप द, यू हैव टू हैव द गुड रिलेशंस विद योर कलीग्स, लेकिन बहुत ज्यादा पर्सनल उसमें नहीं होना। तो बहरहाल अब उसमें है कि आपने अपना नेटवर्क बढ़ाना है, नेटवर्क कैसे बढ़ाएंगे वो आपकी काबिलियत से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आपके अच्छे अखलाक से, अच्छी कम्युनिकेशन से, अच्छी, सपोज इफ समबडी इज डूइंग सम टास्क, इज हैविंग सम प्रॉब्लम, तो सिंपल आप जाके कह रहे हैं ओके आई कैन हेल्प यू, ओके मे आई हेल्प यू प्लीज,
ठीक है, उनकी थोड़ी सी मदद की। अब आपने क्या किया, अब आपकी उनके साथ एक नेटवर्किंग हो गई। एंड इसी तरह समटाइम्स बाज लोग बड़े सोशल होते हैं, यानी किसी भी महकमे में आप जाएं तो उनके वहां पे बात जानने वाले लोग होते हैं, तो वजह क्या होती है कि उनकी नेटवर्किंग स्किल बेहतर होती है। देखें वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड वी कांट लिव अलोन, ठीक है, कभी भी हम अकेले नहीं रह सकते, किस जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है। तो फॉर दैट रीजन हमने क्या करना है कि एक पॉजिटिव वे से एक अच्छा अपना नेटवर्क बनाना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हुई, फिर लीडरशिप स्किल्स आप में होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल डजंट मींस कि हमने कोई अपनी पार्टी बनानी है फिर उसमें लीडर बनना है फिर हमारी लीडरशिप स्किल्स डिवेल्प होंगी। लीडरशिप स्किल्स आपकी हर जगह पे काम आती हैं और ये बच्चों में भी पैदा करें, ठीक है ना। तो उसमें से यानी अपने घर के बच्चे हैं, स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं वहां पर बच्चे हैं, तो उनमें भी लीडरशिप स्किल्स पैदा करें। कैसे, कि खाली एक ड्यूटी एक ही बच्चे को ना दें, यानी यूजली समटाइम्स चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, तो हम टीचर्स क्या करते हैं कि फौरी तौर पे उसको सीआर बना दिया। अब वो पूरा साल एक ही बच्चा सीआर बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें से क्या करना है कि आपने दूसरे लोगों को भी आगे लाना है। फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हमारे होने चाहिए। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स ये याद रखिए कि उसमें पर्सनल डिस्कशन नहीं होती, ठीक है ना। हमने हर चीज नहीं बताने के, रात को मैंने आलू टींडे बनाए थे, ठीक है, फलां बच्चे को ये पसंद है उसने नहीं खाए, तो इतनी डिटेल में हमने प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल रिलेशंस में हमने नहीं जाना। प्रोफेशनल मीन्स यू हैव टू बी रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द प्रोफेशन आल्सो, ठीक है, एक अच्छे रिलेशंस। तो ये फिर अगली बात जो सबसे बड़ा अहम चीज और वो एज अ नेशन ही हमें बीमारी पाई जाती है, वो ये होता है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी, हम हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराना है, ठीक है। अपनी नाकामी का जिम्मेदार भी हम या हुकूमत को कहेंगे या किसी फर्द को कहेंगे या किसी इदारे को कहेंगे, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें। फिर एक और बड़ा एक होता है अजीब सा काम, सपोज इन ऑफिस दिया एंड वहां पे सपोज 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर 8 लोग लेट आ रहे हैं तो जो 2 रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वो भी तो लेट आते हैं ना जी, 8 भी तो लेट आते हैं, तो मैं लेट हो गया तो क्या बात है। तो उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये याद रखें कि हर इंसान खुद जिम्मेदार है अपने काम का, हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बंदा है 99 गलत काम कर रहा है, तो जो 100वें वाला है उसके पास ये लॉजिक नहीं है, काबिले कबूल नहीं है कि जी 99 लोग गलत कर रहे थे तो मैंने भी गलत किया तो क्या हो गया, ठीक है ना। वी हैव टू बी आंसरेबल और अपने आप को आंसरेबल हमने बनाना है। तो ये तकरीबन हमारा हो गया, बस लास्ट मेरा मैं आपके बस 2 से 3 मिनट लूंगा, फिर उसमें है कि आई विल रिक्वेस्ट जुबैर साहब वो इसमें ले चलेंगे। अब ये होता है कि हमारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात होगी, अब इसको बैलेंस्ड कैसे करना है। मसलन अब ये भी नहीं है कि दफ्तर का काम घर में लाए हुए हैं, पूरा 3 बजे छुट्टी हुई वहां से घर में काम ले आए, रात पूरी उसी को लगे हुए हैं, ना बच्चों को होश है ना फैमिली को टाइम दे रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना। और ये भी हमारा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जो ऑफिस का काम घर में लाए हम समझते हैं बड़ा मेहनती है बड़ा काबिल है, कि दफ्तर का काम उसको इतनी दफ्तर से प्यार है कि वो दफ्तर का काम भी घर आके कर रहा है, तो इट मीन्स कि ही इज अनएबल टू डू हिज टास्क इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम जो ऑफिस में उसको दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो इट्स ओके इट्स नॉर्मल। तो उसमें सबसे पहली बात यह कि आपको कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि ये इस तरह मेरा बैलेंस होगा, वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ इस तरह बैलेंस होगी। कभी कभी हमें समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम उसको यानी नहीं कर सकते 100%, तो हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि आपने फिर भी कोशिश करनी है। टाइम मैनेजमेंट दिस इज द वन टेक्निक जिसके जरिए आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड करें। सादा सी एग्जांपल मैं देता हूँ, आटा गूंद रहे हैं आपने, तो आटा गूंदने का भी टाइम मुकर्रर करें कि ये 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने आटा गूंद के फ्रिज में रखना है, ठीक है। और कोई टास्क है उस वक्त फिर बाकी काम बंद कर दें, मल्टीटास्किंग हम उसमें यूजुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर ढंग से कोई भी काम नहीं होता। फिर इसमें डेफिनेटली व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, तो आप स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे, ठीक है। फिर ये काम नहीं होगा कि ऑफिस से गुस्से के भरे हुए आए और सारा गुस्सा घर वालों पे निकाल रहे हैं, तो इस चीज से हम बच जाएंगे, आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी, ठीक है।
अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये है कि अगर तो आपके अपने पसंद की जॉब मिल गई है, बल्कि इधर ऊपर भी किसी ने पॉइंट में लिखा था, इन्होंने कहा था कि प्रोफेशनल कैरियर अचीविंग हैप्पीनेस लेवल, हाँ खुशी खुशी काम करें, बिल्कुल रिजवाना यस्मीन आपने कहा था, तो खुशी खुशी काम करें। पहली तो ये बात है कि कोशिश ये करें कोई ऐसा काम ढूंढें जो आपके एप्टीट्यूड या आपके उसमें जो आपकी पसंद है उसके मुताबिक हो। तो उससे क्या होगा कि उससे के लिए काम आपके लिए बर्डन नहीं होगा, इट विल बी अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर यू, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है। फिर अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज ना करें। अब आप कहेंगे कि जी सेहत का प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ से क्या ताल्लुक, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है? एक दिन अगर आपको नजला जुकाम फ्लू हो रहा है, हल्का बुखार हो रहा है, तो आप देख लें कि आप दफ्तर का मामूली सा काम आपको कितना बर्डन, कितना अजाब लग रहा होता है। घर वाले जरा सा कोई काम करते हैं एकदम हम हाइपर हुए हुए होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ये क्या काम हमने क्या करना है कि अपनी सेहत को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। आमतौर पर एज अ हेड ऑफ फैमिली हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। हम ये कहते हैं जी लगे रहो बस बच्चों के लिए करते रहो, लेकिन जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो उसमें आप कभी भी अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर इसी तरह एक और बड़ी अच्छी टेक्निक है इसके लिए, तो वो ये है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, ठीक है? 24 घंटे, चूंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इवन ऑफिस, अब आप ये नहीं कह सकते कि 9 to 5 मेरी जॉब है, हो सकता है कि रात 8-9 बजे आपसे कोई चीज, कोई रिपोर्ट, कोई स्टेटमेंट मांग ली जाए। तो उसके लिए अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो इट्स बेटर कि कम से कम घंटा 2 घंटे मोबाइल को बिल्कुल अलग कर देना। आपने ईमेल चेक करनी है, यानी बस इन गैजेट से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लें, तो उससे भी आपका यानी काफी सुकून हो जाएगा। जी शाहीन आसम आपने ज्वाइन किया, वालेकुम असलाम रहमतुल्ला, एंड ठीक हो गया। तो इसी तरह यह है कि आप अपनी बाउंड्रीज रखें, यहां पे मेरा घर का काम है, यहां पे मेरा ऑफिस का काम है, इतना टाइम मैंने इसको देना है, इतना टाइम मैंने इसको देना है। अच्छा सिदरा तौसीफ आपका हैंड अभी भी रेज है, इफ यू इफ देयर इज सम अदर क्वेश्चन तो यू कैन आस्क नाउ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो यू कैन आस्क हियर। आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा बहरहाल अभी चूंकि वी आर हैविंग सम न्यू पार्टिसिपेंट्स तो उनको वेलकम भी, एंड सेकेंडली दीज वेबिनार्स आर देयर, तो ये हर सैटरडे को एट 9:30 वेबिनार्स होते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको थोड़ा सा 9:15 पे ले जाएंगे, चूंकि ईशा की नमाज हो जाती है, तो वो उसके लिए हमारे ये चूंकि सर्दियों में इतना लेट समटाइम्स थोड़ा सा इशू होता है, तो उसको हम ये हमारे वेबिनार्स चलते रहते हैं। बाकी ऑल द रिकॉर्डिंग दैट इज अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, लर्न विद तैयब के नाम से चैनल है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सेकेंडली देर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और उसमें भी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती हैं, बुक्स शेयर होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, आईएल्स के हवाले से, ओईटी के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती हैं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट जुबैर साहब, चूंकि वो ज़रा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि ये पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, क्या इश्यूज होते हैं। तो जी जुबैर साहब इधर ही आप। अस्सलाम वालेकुम देव सर, आर यू एबल टू हियर मी? या योर पॉइंट क्लियर सर। ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, देव साहब ने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। देर आर सम थिंग्स जो कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से शेयर करूंगा जो कि रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे। बिफोर गोइंग इन टू द डेप्थ ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, मैं एक छोटा सा ना एक लाइफ साइकिल टाइप की चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कि एक इट्स अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ थिंग विद पाकिस्तानी सोसाइटी यू कैन से। अगर हम एक एज लाइफ स्पैन की बात करें, अब जब चूंकि हम प्रोफेशनल कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात कर ही रहे हैं, तो हमें सबसे पहले चीज जो है वो स्टार्ट करनी है एज लाइफ साइकिल के हिसाब से, कि जैसे आप देखें कि अब नॉर्मली इन पाकिस्तानी कल्चर 16 इयर्स की एज एक मैक्सिमम नंबर काउंट किया जाता है जिसमें एक बंदा मैट्रिक का एग्जाम क्लियर करता है।
Then after 16 years, you can add 2 more years for FSC and FA. So a person will go into 18th year of his life or her life जब उसका FSC का एग्जाम क्लियर हो रहा होता है. अब नाउ यहाँ से आप जब मूव करते हैं आगे, तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में मल्टीपल काइंड की डिग्रीज अवेलेबल है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर. बट प्रीवियसली 2 इयर्स के बैचलर्स भी थे, 2 इयर्स के मास्टर्स भी थे, लेकिन अब चूंकि HCC ने एक अपना वो चेंज कर लिया क्राइटेरिया, तो अब 4 इयर्स का बैचलर्स होता है. एंड देन अगेन फिर आप जब मास्टर्स के लिए जाते हैं, इट विल बी इक्वलेंट टू MPhil एंड ऑल दो स्टफ. तो आप 18 इयर्स से काउंट करें, 22 इयर्स की एज तक एक बंदा अपना 4 इयर्स बैचलर कंप्लीट करता है, जिसको हम अंडर ग्रेड स्टडीज कहते हैं. और फिर देन अगेन अच्छा, अब जब वो बंदा 22 इयर्स की एज में पहुंचता है, तो वहां से वो अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करता है आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर्स डिग्री, जिसे हम नॉर्मल जुबान में BS कह सकते हैं. BS डिफरेंट इन एनी फील्ड लाइक BS कंप्यूटर साइंस, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS मैनेजमेंट साइंसेस एंड ऑल दो स्टफ. तो जब 20 इयर्स 2 इयर्स की एज से बंदा एक कैरियर का स्टार्ट करता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक बंदे एक इंसान जो है वो अपने फील्ड की तरफ मूव करता है, और उससे आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने प्रोग्रेस करना है. और साथ में जब अगर फर्दर स्टडीज की बात की जाए मास्टर्स के लिए, तो देर आर टू क्राइटेरिया. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद फौरन से मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, 2 इयर्स मास्टर कंप्लीट किया, जिनसे हम इक्वल टू MPhil कहते हैं, और देन वो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वो मूव करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और कुछ आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर्स ही मूव कर जाते हैं. तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए ना, द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज चूजिंग योर कैरियर पाथ. मैंने बहुत सारे सिनेरियोस देखे हैं कि जहां पर एक बंदे को ये पता ही नहीं होता कि उसने मूव किस तरफ करना है. लाइक यूनिवर्सिटीज में वो डिग्री तो पढ़ रहा होता है, डिग्री के कोर्सेज तो वो पढ़ रहा होता है, लेकिन कई दफा हमारे एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है उसके फ्लॉज की वजह से ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज का शिकार होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने जाना किस तरह. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर IT की फील्ड की मैं बात करूं, तो IT की फील्ड में नेटवर्क की फील्ड भी है, सॉफ्टवेयर की फील्ड भी है, IT मैनेजमेंट की फील्ड भी है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, ऑल दो स्टफ. तो एक राइट गाइडेंस और एक राइट ट्रैक पाथ का आपका चुनाव जो है ना, दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग इन प्रोफेशनल लाइफ. अब यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ का पाथ सिलेक्ट हो गया, आप आगे मूव करते हैं, तो यहाँ से बेसिक आप कह लेते हैं कि आपका एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होता है. अब स्टार्टिंग में ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो कि एक प्रोफेशनल कैरियर की इंटरेस्ट के ऊपर एक बंदे को समझनी पड़ती है, और वो उसे समझाता कौन है, सीनियर्स सीनियर्स फेलो कोलीग्स उसको समझाते हैं जो कि उसके फील्ड से रिलेटेड होते हैं, और जिस कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब के दौरान तो वो समझाते हैं, लेकिन जॉब से पहले आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करने जा रहे हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपने R&D करनी है अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए, तो लिंक्डइन लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के बारे में आप सबको पता होगा कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपनी जॉब्स पोस्ट करती हैं. वहां पर बहुत सारी कंपनीज, इवन के कंपनीज के CEO, CFO, CTO, CISOs वगैरह जो है, वो उस लेवल तक के लोगों की प्रोफाइल्स भी लिंक्डइन के ऊपर मौजूद होती हैं, जहाँ पे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंट्री की चीज ये है कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बारे में R&D करें, उसके लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करें थ्रू सोशल मीडिया, ताकि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इन्वायरमेंट का एक होलिस्टिक ओवरव्यू मिल जाए, एक ओवरव्यू टाइप की चीज आपको पता लग जाए कि ठीक है यार, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किस तरह का माहौल है, क्या मेथड्स ऑफ वर्किंग एंड ऑल दो स्टफ.
तो प्रोफेशनल लाइफ का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और उससे पहले एक R&D जरूर कर लें, बिकॉज देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर दिखाया तो ऐसा जाता है कि भाई वी आर अ वेरी बिग फिश काइंड ऑफ अ थिंग, बट व्हेन यू गो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तो आपको वहां पे पता लगता है कि जो जो front face tha, that was something different, and now when I'm inside the organization that thing is something different. So ek to ye cheez aapki badi matter karti hai. Acha dusri cheez aapke professional life ke andar hota hai. Acha hamare kuch logo ke na mindset is tarah ke bane hote hain ki hum log apne जो यंग चैप लोग होते हैं जो अर्ली कैरियर के स्टार्ट में होते हैं उन लोगों के दिमाग में फैमिली की तरफ से या उसके कोई फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स की तरफ से एक बात उनके दिमाग में डाल दी जाती है कि भाई तुमने अपनी अर्निंग अगर स्टार्ट करनी है तो कम से कम 50,000-60,000 के ऊपर स्टार्ट करनी है. सो ये एक जो माइंड सेट है ना, जब वो बंदे के जहन में ये माइंड सेट आ जाता है ना, तो बंदा क्या करता है, बंदा यही चीज सोचना शुरू कर देता है कि भाई अगर मुझे कोई जॉब भी ऑफर होती है या इंटर्नशिप ऑफर होती है तो उस केस के अंदर जब तक मुझे 50-60,000 रुपीज पे आउट नहीं किया जाता तब तक मैं वो जॉब नहीं करूंगा या इंटर्नशिप नहीं करूंगा. दैट इज अ डिजास्ट्रस थिंकिंग फॉर योर कैरियर. उसकी रीजन ये है कि आप जब अंडर ग्रेड स्टडी कंप्लीट करके अपने कैरियर में जाते हैं तो वहां पर जाते साथ ही ऐसा नहीं होता कि आपको कोई लाख रुपए की या 60,000-70,000 रुपए की जॉब ऑफर कर देती है कंपनी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. होता यह है बेसिकली कि जब आप एज एन इंटर्न जाते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि जो कि आपको विदाउट स्टाइपेंड इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं कि जिसमें आपको कोई पे आउट नहीं मिलता, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जो कि आपको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड पे करती हैं, लाइक कोई 20,000 पे कर देती है, 15,000, 20,000, 25,000 जस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ दिस कि आप अपना जो डेली लाइफ का एक्सपेंस है उसको मैनेज कर सके, लाइक अपना फ्यूल मैनेज कर सके, अपना लंच मैनेज कर सके, बिकॉज उन्हें पता है कि यू आर इन द स्टार्ट ऑफ द कैरियर. तो ये चीज जो है ये एक अपने माइंड से हमेशा निकाल देनी चाहिए कि भाई मैं स्टार्टिंग 50-60,000 की जॉब पे जाऊंगा, उसके कम तो मैं जाऊंगा ही नहीं, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल कि आप एक जीरो एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, वन डे का भी एक्सपीरियंस आपका नहीं और आप वेरी फर्स्ट पे आप स्टार्ट कर रहे हैं के और कह रहे हैं जी कि मैं तो जब तक मुझे 50-60,000 नहीं मिलेगा मैं नहीं मूव करूंगा आगे. दैट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग. ओके नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि एक तो ये है, दूसरी चीज ये है कि आपने विद द मिनिमम स्टाइपेंड ज्वाइन कर लिया तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको कोई भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपने को वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी जाया नहीं करनी, आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपको वो अपॉर्चुनिटी क्या सोच के दी गई है और उसका मकसद क्या है. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप एक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है रियल लाइफ, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ये मार्शल आर्ट्स के क्लब्स होते हैं, मार्शल आर्ट के क्लब्स होते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो स्टूडेंट मार्शल आर्ट सीखते हैं ना तो जो उनका कोच है ना वो उनको ये तक कह देता है कि भाई आज आपने ये कंप्लीट ये जो जिम का जिम एरिया है इसकी आपने सफाई करके जानी है, मैट्स को आपने प्रॉपर क्लीन करना है, उसके ऊपर गीला कपड़ा लगाना है. तो अब कोई स्टूडेंट उठ के कह दीजिए कि भाई ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं तो इधर सीखने आता हूँ, ये सफाई तो मैं क्यों करूँ, ये तो आप अपना प्रॉपर बंदा रखें. तो सेम अप्लाइज टू योर प्रोफेशनल कैरियर कि अगर आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशिप पे जाते हो और आपको कह दिया जाता है कि जी आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट बना के हमें दें, और आपको जी कोई जी मैं तो प्रोग्रामिंग की इंटर्नशिप पे आया हूँ और मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ या वर्ड के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं क्यों ये रिपोर्ट बनाऊं या क्यों डॉक्यूमेंट बनाऊं, ये मेरा काम ही नहीं है. तो ये चीज जो है ना ये आपका
फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द प्रोफेशनल कैरियर आपकी साबित हो सकती है, जो कि आपके पूरा थ्रू आउट द कैरियर आपके साथ चल भी सकती है और एज अ हर्डल और एज अ ऑब्स्ट्रक्शन आपके साथ स्टे भी कर सकती है फॉर द होल कैरियर ऑफ योर लाइफ। देन अगर आप तो मतलब कभी आपने ना इस चीज को इनकार नहीं करना कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि जब एक बंदा आपको कोई टास्क दे रहा है ना, नो डाउट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि इस तरह की माल प्रैक्टिसेस करती हैं कि इंटर्निस को वो इस तरह ट्रीट करती हैं कि जस्ट लाइक दे आर अ स्लेव काइंड ऑफ पीपल, के ये गुलाम है और इन्हें हम जो कुछ कहते रहेंगे ये करते रहेंगे और हम अपना काम निकलवाते रहेंगे और हमने ना इन्हें पे आउट करना है, अगर करना भी है पे आउट तो मुझे मिनिमम करना है। बट देर आर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटर्नी को ना लर्निंग परस्पेक्ट में ना चीजें सिखाती भी है, अच्छी चीजें सिखाती हैं। तो कोशिश करनी है कि अगर लर्निंग अपॉर्चुनिटी कोई भी दी जा रही है ना तो उसको आपने ग्रैब करना है। ऐसा नहीं हो कि आप ये चीज अपने माइंड में रखें जी कि मेरा ये काम इस काम के लिए तो मुझे इंटर्नशिप दी नहीं गई, मुझे तो इंटर्नशिप सिर्फ इस चीज के लिए दी गई और मैं ये काम नहीं करूंगा। तो द सेकेंड थिंग इज के ट्राई टू फॉलो द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट थिंग है कि आपने सोशल इंटरेक्शन या सोशल नेट मतलब जिसे हम अपने जबान में प्रोफेशनल नेटवर्किंग कहते हैं। देखिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपने अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुक बना लिया, ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर एक प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ना तो आपके पास ना अपने प्रोफेशन के अलावा आपके अलावा मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी देयर हु विल बी वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन इन विच यू आर गोइंग टू ज्वाइन और यू आर करेंटली वर्किंग नाउ। सो आपने नेटवर्किंग के लिहाज से सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट नहीं रहना, आपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके उसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी अप्रोच करना है ताकि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, आपको पता लगे कि करंट मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं और करंट मार्केट ट्रेंड्स के अलावा आपको ये चीजें पता लगेंगी कि भाई मतलब मोस्टली आजकल तो लिंक्डइन का अवेलेबल प्लेटफॉर्म होता है तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपनी हायरिंग्स के लिए जॉब पोस्ट करती हैं। बट कई दफा ऐसा होता है कि कंपनी खुद जॉब नहीं पोस्ट करती, जॉब उनके इंटरनल सर्कुलेशन में आई होती है, लोगों को वो अपने मैनेजर्स को बता देते हैं, सीनियर मैनेजर्स को बता देते हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए बंदा चाहिए, बट वो लोग उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि उनके जो मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स होते हैं अगर उनके अपने सर्कल में कोई बंदा अवेलेबल है उस पोजीशन के लिए तो वो अपने सर्कल में से अपने बंदे को अप्रोच करते हैं और उसकी सीवी फॉरवर्ड करते हैं और उसके इंटरव्यूज करवा के उसकी हायरिंग करवाते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपने सिर्फ नेटवर्क तक, अपने ऑफिस के लोगों तक आपने लिमिट नहीं करना, आपने दूसरे लोगों को भी अप्रोच करना है। क्या पता कि किसी बंदे को सेम पोजीशन के लिए बंदे की जरूरत हो तो आपकी वो आगे प्रोफाइल आगे मूव हो और आपकी सिलेक्शन हो जाए, उन्हें बेटर सैलरी उन्हें बेटर पोजीशन आपकी चीजें मूव हो जाए। द थर्ड थिंग इज यहाँ पर फीमेल्स भी बैठी हुई हैं, बट आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ अशेम्ड इन सेइंग दिस थिंग के कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको ना अवॉइड करनी पड़ती हैं अपने प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट लाइफ में, लाइक अननेसेसरी और अनफॉलोड इंटरेक्शन विद द फीमेल स्टाफ। टू बी फ्रैंक गवर्नमेंट ऑफिसेज आई एम नॉट श्योर, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ, बट फॉर द कॉर्पोरेट साइड आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस के मतलब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ को बहुत क्लोज से देखा हुआ है। तो वहां पर यह है कि फीमेल स्टाफ के साथ ना बहुत अवे एंड बियॉन्ड टाइप का जो इंटरेक्शन है उसको ना रखा जाए। उसकी रीजन ये है कि देर आर मल्टीपल केसेस आई हैव सीन के जहां पर किसी बंदे ने कुछ सीनियर पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है उसने कोई एक अवे एंड बियॉन्ड काइंड का रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की फीमेल स्टाफ के साथ एंड दे ट्राइड
he tried to give an extraordinary kind of favors to the female staff, jo ke unhone for the time being female staff ne li, but later on when female staff saw that now demand is going above and beyond, so they just put a case that she has been harassed mentally, or she has been harassed sexually, or all those stuff. So in that case, this is a point that you need to take care of this in terms of the female staff specifically in the corporate culture, because in the corporate culture, female has been given preference over the male in terms of the gender. I'm not saying this that they have been given an edge in all of the matters, but in terms of the gender edge, female has been given a good kind of edge. So us case mein the only trouble will be on the men's side. I'm not saying this that tamam log females jo hain wo bad nature ki ho sakti hain, but there are people exist. Hum kisi ko ek kharij us imkan, ek urdu ka word hai, ki hum is cheez ko kharij us imkan nahi keh sakte ki har banda ek tarah ka hoga, lekin kuch bahut sare log aise hote hain. To ye cheez aapne na apna ek distance maintain rakh ke chalna hota hai. As a colleague aap treat kare no doubt, lekin jab aap ek colleague se aage ki cheez ki taraf jate hain, to most of the time I saw that it becomes a disaster for the people, ke unke wahan pe career finish ho gaye, unke wahan par unko terminate kar diya gaya job se. Jab aapki ek dafa job se termination ho jati hai industry ke andar, to aapke jo industry ke log hai wo after aapas mein interconnected hote hain, to companies ko ye cheez convey hoti hai ki bhai is bande ko ek organization se terminate kiya gaya hai, aur is reason ki wajah se terminate kiya gaya hai. To jab agli organization mein aapki CV jati hai ya profile jati hai, to aapki profile ko dekh ke hi pata kar diya jata hai, aur usi ke base ke upar na aapko straight forward aapko candidate ki list se hi out kar diya jata hai. So that is one aspect. Okay, the next aspect is control over your social media. Previously, अब आप ये सोच रहे होंगे, मैंने previously बात की थी कि भई आप अपनी social networking को increase करें, each and everything you have to do. लेकिन यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि control your social media. अब ये control your social media के हवाले से अब मैं आप कह रहे होंगे कि भई control your social media की बात मैं क्यों कर रहा हूँ. मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, especially the people who are on the very early stages of the, you can say, early stages of their career, unse is tarah ki mistakes ho jati hain ki wo apni company ka kuch secret, apni company ki aisi baat jo ke company ki reputation ke liye nuksandeh ho sakti hai, ya unke liye financial loss ka wo ban sakti hai ek point, to wo kuch aisi baatein hoti hain ki आप वो लोग शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और देन आफ्टर दैट उन्हें उस टाइम पता नहीं लगता कि उन्होंने किया क्या है, बट जब ये चीज नोटिस में आती है तो उसके बाद द अल्टीमेट थिंग दैट विल हैपन, that their termination from the job. So try to control your social media interactions with respect to sharing information regarding to your company. The next thing is ke acha नेक्स्ट थिंग इज के कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर लेग पुलिंग, बैक फाइटिंग बहुत ज्यादा है. मीन्स आपको इतने लोग सपोर्टिव नहीं मिलेंगे जितने आपको लोग लेग पुलिंग वाले मिलेंगे. अब लेग पुलिंग होती क्यों है? लेग पुलिंग होती फॉर मेन रीजन विच आई हैव ऑब्जर्व, मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है कि लेग पुलिंग की दो रीजन होती है. एक रीजन तो ये होती है बेसिकली कि आप अगर एक पोजीशन पे जाते हैं हायर होके, और आपसे एक पोजीशन नीचे पे एक बंदा बैठा होता है, और वो बंदा ये चीज लाइक नहीं करता कि भाई वो पिछले 4 साल से एक पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है, और आपका अभी टोटल एक्सपीरियंस ही 2 साल का है, और आप उस 4 साल वाले के ऊपर आपको प्रेफर किया गया और आपको उसे अपर पोजीशन पे बिठा दिया गया. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे एक सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे हायर किया गया है, और मेरा एक्सपीरियंस है टोटल लाइक 5 इयर्स का,
लेकिन मेरे से लोअर लेवल मैनेजर की पोजीशन पे एक बंदा बैठा हुआ है और उसका एक्सपीरियंस है 8 years का, तो वो बंदा एक माइंड में उसके आएगा कि भाई मैं तो पिछले कितने साल से इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से एक जूनियर को प्रेफर किया गया है, उसको प्रमोट का किया, प्रमोट भी किया जा सकता है या डायरेक्ट हायरिंग भी की जा सकती है। तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट होता है जिसमें जिसे हम प्रोफेशनल जेलसी का लफ्ज एक देते हैं कि प्रोफेशनल जेलसी आपकी जो एक चीज है वो एक आ सकती है उसके अंदर। तो ये प्रोफेशनली ये चीज आपके पास होती है। और दूसरा देयर इज अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट एज वेल। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये होता है कि अगर आप गुड सैलरी पे आए हो और एक बंदा सेम डेजिग्नेशन का बंदा लोअर सैलरी पे बैठा हुआ है, तो वो भी एक एस्पेक्ट होता है कि भाई अगर मुझे कंपनी इतना अच्छा क्यों पे कर नहीं कर रही जो कि इसको पे किया जा रहा है। अब आप उस बंदे को शायद क्या पता कि हो सकता है कि अगर वो बंदा एक 6 साल से कंपनी के साथ काम कर रहा है तो उसने उस 6 साल के अंदर वो स्किल्स डेवलप ना की हो जो आपने अपने 4 साल के कैरियर के अंदर डेवलप कर रही है, और उन स्किल्स की बेस के ऊपर कंपनी ने आपको हायर किया है एक अच्छी सैलरी के ऊपर और एक अच्छे ग्रेड के ऊपर। तो सबसे पहला तो ये कोशिश होती है, अच्छा ये इस तरह की चीजें ना टैकल करने का क्या तरीका है, टैकल करने का ये तरीका है कि आप एक तो ये है कि अपने आप को ना ये पॉलिटिकल साइड से ना ऑफिस पॉलिटिक्स के हिसाब से ना थोड़ा आप अपने आप को ना अपने आप को इससे दूर रखें। द सेकंड थिंग द मोस्ट क्रिटिकल थिंग है, अब मोस्ट क्रिटिकल थिंग मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये चीज आपको बचा भी सकती है और ये चीज आपको फंसा भी सकती है, वो ये है कि आजकल अगर कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर कम्युनिकेशन जो होती है ना वो होती है ओवर द ईमेल, राइट। तो आप कोशिश करें कि आप जो भी चीज कम्युनिकेट करते हैं किसी भी बंदे के साथ, वेदर वो आपका मैनेजर है, बॉस है आपका, या वेदर वो आपका कोई सबऑर्डिनेट है, वेदर वो आपके लेवल की पोजीशन का बंदा है या किसी और डिपार्टमेंट का, उस चीज को आप हमेशा ईमेल की फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड रखें ताकि एट द टाइम अगर आपके ऊपर कोई बात की जा की जाती है किसी भी प्रोफेशनल जेलसी के एस्पेक्ट में या किसी भी एस्पेक्ट में, तो उस टाइम आपके पास एक प्रूफ अवेलेबल हो कि भाई मैंने तो ये काम किया था और ये इस तरह किया था, ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, ये मेरे पास ईमेल मौजूद है, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट दिस पर्सन इज सेइंग कि ये काम मैंने किया है इस तरह। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि अपनी चीजों को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर रखें, अपनी चीजों को ओवर द इंटरनेट डिजिटल फॉर्म में रखें, ईमेल्स को मेंटेन करके रखें ताकि आपके पास 11th hour पे एक एविडेंस अवेलेबल हो। सो फॉर द एंड मैं 2 मिनट सिर्फ लूंगा पर्सनल लाइफ के हिसाब से और देन वी विल कंक्लूड द सेशन, वी आर जस्ट लेफ्ट विद ओनली लाइक 9 मिनट्स। सो पर्सनल लाइफ और वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, देयर आर टाइम्स जब नो डाउट पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड ऑल दो स्टफ, बट फॉर मी जो मैंने एक्सपीरियंस की चीजें वो ये है कि एक इंसान है उसके लिए ना एक सर्टन टाइम स्पैन होता है जबकि उसने अपना जिस टाइम पे उसने अपना करियर डेवलप करना होता है। लाइक अगर मैं जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 22 इयर्स की एज से अगर एक बंदा अपना करियर डेवलप करना शुरू करता है तो उसके लिए 22 इयर्स टू 33 इयर्स का जो टाइम स्पैन होता है ना ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम स्पैन होता है, ये जो 10 से 11 साल का अरसा होता है। तो उसमें कई दफा ऐसा चीज आता है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ की कमिटमेंट्स बिना सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जस्ट फॉर द काइंड कि आप अपनी चीज को एक डेवलप करने के फेज के अंदर मौजूद होते हो। तो देर आर सम फील्ड्स जहाँ कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जहाँ पे अक्सर औकात पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आई एम फेसिंग दिस इशू राइट नाउ कि मेरी अक्सर औकात ऐसा होता है कि क्योंकि मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और कंसल्टेंसी के अंदर आपको पता है कि हमने चीजें बना के देनी होती है, डिलीवर करनी होती है, तो अक्सर हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। बट मैं ट्राई ये करता हूँ कि मेरी जो वीकेंड की पर्सनल लाइफ है ना कि जिसपे मैं प्रॉपर अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, वो मेरी लाइफ ना किसी ऑफिस के काम के अंदर डिस्टर्ब मतलब स्पेंड ना हो, ताकि एटलीस्ट कुछ चीजों का मैं अगर होल फुल वीक अगर उस चीज को मैं फॉलो नहीं कर सकता और मैं वीकेंड के ऊपर कंपनसेट कर लू। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दैट कि मैंने एक ब्रीफ टाइम के अंदर अपनी चीजों को कन्वे कर दिया होगा। देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू से लेकिन ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट आई माइट नॉट बी ड्रैग इट मोर। So in the future weeks, if I got any chance to explain more things regarding this one, I'll be happy to share it. Thank you.
जी थैंक यू जुबैर साहब, एंड बड़ा ब्रीफली ऑल द पॉइंट्स दे हैव बीन कवर्ड, सो अभी इसको हम राउंड अबाउट एंड करने वाले हैं। एंड चूंकि आज हमारे पास कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स भी हैं, तो आप सबको वेलकम भी। एंड ये हर हफ्ते को हमारा वेबिनार होता है एट 8:30, एंड उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप अगर उसमें शामिल होना चाहें तो माय नंबर इज़ देयर, मैं दोबारा यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ये मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे इन बेसिकली इन वेबिनार्स का मकसद भी यही है कि आपको एक नंबर वन एक थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए ऑल द न्यू टॉपिक्स, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, और स्पेशली हमारे पिछले जो वेबिनार्स हुए थे वो इसी पे हुए थे कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको किस तरह ब्लैकमेल किया जा सकता है, ठीक है। फिर इस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की, चैट जीपीटी के हवाले से बात हुई। तो कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी होती है तो उसको ये ना समझें कि इट्स ओनली फॉर द आईटी रिलेटेड पर्सन्स। नो मैटर यू आर अ टीचर, यू आर अ लॉयर, यू आर एन एग्जेक्टिव, किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो आप उस चीज़ से बच नहीं सकते। जैसे अभी आप लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कराची से भी लोग हैं, बाकी भी पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजी ही है ना, ठीक है। मतलब आज से अगर आप 10 साल 12 साल कर रहे हो तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती थी वो वीडियोज कॉल या इसको एक बड़ा कॉन्फ्रेंस कॉल, एक बड़ा यानी इट वॉज अ साइन ऑफ स्टेटस, स्टेटस सिंबल इसको समझा जाता था, ठीक है। तो इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से ये सारे की सारे यहाँ पे वेबिनार्स रखे जाते हैं। तो अभी कंक्लूडिंग इसको हम करेंगे, कंक्लूड करेंगे। सो देखें, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन और वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, हम मशीन्स नहीं हैं, रोबोट्स नहीं हैं कि हमें एक जगह वो सेट सारी टोन कर दी जाए, अगर उसके मुताबिक हम चलते रहेंगे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आर देयर। समटाइम्स ये है कि पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है, समटाइम्स ये है कि प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ये 100% बैलेंस तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन जिस हद तक आप कर सकते हैं डू ऑल द अवेलेबल टेक्निक्स जो भी आपकी हैं वो करें। और बाकी एक जुबैर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि मैं इस पोस्ट के लिए आया हूँ, मैंने तो यही काम करना है, ठीक है। सो मेनी स्टोरीज आर देयर, बल्कि जो एक जराफिया का ऑपरेशन, उसका मुझे नाम भूल गया, आई विल बी सर्चिंग, वो एक बड़ी मशहूर कहानी है कि आ गार्डनर वाज देयर, और उसमें एक प्रोफेसर वो जराफा का ऑपरेशन करने लगे तो उनका जो हेल्पर था वो नहीं था। उन्होंने क्या, वो एक जो माली था उसको आवाज़ दी कि यार ये आना जरा पकड़ना। अब वो कहते हैं कि उस वक्त अगर वो ये कह देता जी मेरा काम तो मालियों का काम है, मैंने तो पौधों की देखभाल करनी है, आप अपने असिस्टेंट को बुलाएं, ठीक है, ना हुआ तो फिर क्या हुआ। तो बाद में क्या हुआ कि वो उन प्रोफेसर के साथ काम करते करते ही वॉज ऑल्सो स्किलफुल सर्जन, ठीक है ना, एक माहिर सर्जन के तौर पे उसका नाम है। वो पूरी कहानी है, जिराफ आप लिखेंगे तो उसी से ही आपको सर्च आउट हो जाए। आई विल ऑल्सो बी सर्चिंग यू एंड आई विल बी शेयरिंग यू दैट इफ आई फाउंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो फॉर दैट रीजन, ठीक है, बहुत बहुत होता है कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली कई ऐसे अदारे हैं जिसमें आमतौर पर यही होता है कि जो अच्छा काम करता है उसको काम पर काम दिया जाता है, ठीक है, जो निकम्मा होता है, काम चोर होता है, वो आराम से सुकून में होता है। लेकिन उसमें भी है कि आपने अपनी पोजीशन को देखना है, सपोज इफ इट इज द स्टार्ट ऑफ योर कैरियर तो बर्दाश्त करें, ठीक है, उसी वक्त ही नहीं, आपने अपना ठीक है, आप उस शोबे में रहे हैं, अभी आप स्टेबल हो गए, ठीक है, उस वक्त तो चलें, ठीक है, यू कैन आस्क फॉर योर राइट्स, यू कैन स्पीक फॉर योर राइट्स, लेकिन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कैरियर तो इन चीजों से आपने बचना है। बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आपको पसंद भी नहीं है वो भी आपने बर्दाश्त करनी है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड यहाँ पे आ चुके, हमारा थोड़ा सा सेशन लंबा है, वरना ये कि हम आखिर में 5-10 मिनट रखते होते हैं इसके लिए, ऑनलाइन क्वेश्चनिंग आंसर सेशन के लिए, लाइक आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो होपफुली आज का वेबिनार आपको अच्छा रहा होगा। इफ देयर इज, अभी है हमारे पास 2-1 मिनट है, इफ देयर इज सम क्वेश्चन तो वो आप पूछ सकते हैं, जस्ट 2 मिनट्स आर रिमेनिंग, क्योंकि फिर ये बंद हो जाएगा और 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। ये हैंड रेज किया है जी किचन विद तेनू, इनका हैंड रेज है। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी आप, अदरवाइज वी हैव टू से गुड बाय, एंड यस रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी। सर काम की कदर क्यों नहीं की जाती? देखें, काम की कदर इसलिए नहीं जाती कि ये हमारा सेटअप ही इसी तरह है, मतलब आमतौर पर चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है,
तो यूजुअली जो काम करने वाला बंदा है ना, उसको बड़ा बुरी नजरों से देखा जाता है, वो ये समझते हैं कि शायद ये पागल है। इसी तरह अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो अगर आपने थोड़ी सी गाड़ी के, अब देखें बस एक रूल है कि जितनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी उतना आपका डिस्टेंस अगली गाड़ी से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि जब तक आप अगली गाड़ी के साथ जोड़ के गाड़ी नहीं लगाएंगे, पीछे से पां पां हॉर्न दे रहे होते हैं कि जी इतना वक्फा आपने क्यों छोड़ा है। तो ये यानी ये बड़ा हमारा मेंटल सेटअप चेंज करने की ज़रूरत है। चलें जी, सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन इसी तरह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, थैंक यू एवरीवन।